अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मुझे बहुत दुख है और बहुत अफसोस है कि आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफ़ात हुई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं मुआज़रत करना चाहूँगी। वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं मेरे दिल पे बहुत बोझ था 2 दिन से, तो शायद मैं ना वीडियो बना सकी ना कोई मैसेज लिखा मैंने उनके लिए। इंसान जज्बात में आके, या मुझे शायद, मैं उनको बहुत एडमायर करती थी उनके नॉलेज के पीछे या उनकी जो एक शख्सियत है उसके पीछे। तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि वो जो अभी चंद दिनों पहले तक जो चीज़ें हो रही थी, शायद मैंने गलत अल्फाज चूज़ किए उस वीडियो में। इंसान जज्बाती होता है, मैं भी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैं भी गलती का पुतला हूँ। तो मुझे ये लग रहा था कि इतने पाए के, इतने नॉलेजेबल, इतने ज़बरदस्त होस्ट, वो जब उनको ये चीज़ें करते हुए देखा, तो शायद मैंने उसको देखते हुए वीडियो बना दी। और लोग भी आपको बहुत उकसाते हैं कि उन्होंने कुछ लिखा था मेरे लिए, तो मैंने इन इनबॉक्स के जी देखे क्या। तो मैं जज्बाती होकर मैंने वो वीडियो बना दी। तो मैं बहुत दिल से माजत खाऊं, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि एक इंसान जो इतना इतना ज़हीन हो और वो एकदम से चला जाए दुनिया से। तो सॉरी कहने में, माजत करने में कोई इंसान छोटा नहीं पड़ता। मुझे बहुत बोझ है मेरे दिल पे। उम्मीद है मैं अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने, अगर उनकी उस वीडियो की वजह से दिल आज़ारी हुई, उनके फैंस की, उनके घर वालों की, तो मैं दिल से माजरत करती हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ कसम से। मैं आई एम स्पीचलेस, आई डोंट हैव वर्ड्स। लेकिन ये कि इंसान बस गलती कर जाता है। मैंने आज तक कभी किसी के लिए कोई वीडियो नहीं बनाई, बट पता नहीं क्या हुआ कि मुझे क्या लगा तो मैंने वीडियो बना दी। सो मैं माफ़ी चाहती हूँ सबसे, और आई होप उनके जितने फैंस हैं, और हम लोग कभी उनको नहीं भुला सकेंगे, उनकी इतनी एक भरपूर शख्सियत थी। अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे और उनको आला मुकाम दे, और उनके घर वालों को, बच्चों को, हम सबको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आई एम रियली वेरी सॉरी।